अंग्रेजी में किसी को गाली कैसे दें? छिछोरा या फट्टू को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गैगल ऑफ गटलेस, गैगल ऑफ गटलेस। नहीं, मैं किसको गाली देने वाली हूँ? शशि थरूर, गैगल ऑफ गटलेस। ये गाली खत्म होने से पहले बंदा चार सुना दे। इंग्लिश तो में बात करूंगा। दे दप्पड़, दे घुसा, सीधा देता ही रहेगा वो। क्या ए यू, ये इंग्लिश में याद करे तक वो तो सुना दिया हमें। क्या अबे गा यू वेट, क्या बोलते हैं भैया? हाँ सर, इस गाली को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अच्छा, फीस भरूंगा तो बताओगे? अरे यहाँ बंदा बेइज्जती कर रहा है, आप कुछ तो बताओ। क्या क्या? अरे वेट, आई एम चेकिंग नोट्स। गैगल ऑफ गटलेस, गैगल ऑफ गटलेस। क्या बोल रहा है? गोडम बूट पल्स। कौन सी भाषा है ये? क्या बकवास कर रहा है? अरे लड़ तो सही। फट्टू मैं ही हूँ, गैगल ऑफ गटलेस। अरे भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सैयद, कैसे हैं आप लोग? हाँ यस गाइस, कल वीडियो तो नहीं आया स्ले पॉइंट चैनल से, एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। चलो गाइस वीडियो देखते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर सब्सक्राइब यार, प्लीज़ अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, प्लीज़ गाइस चेकआउट कर लो और फॉलो भी कर लो गाइस। चलो वीडियो देखते हैं। मैं अभी स्कूल में क्यों नहीं हूँ यार? क्यों क्यों, क्या हुआ? थोड़ा रुक जाते, पांच छह बार मैं फेल हो जाता, आज जिंदगी अलग होती। एजुकेशन सिस्टम कितना सही है अभी, स्क्रीन्स, कूल टीचर्स, मनहारी सुकुमारी, मनहारी सब रीलर, रीलर टीचर्स भी रीलर बन रहे हैं। एक दो लगते थे जैसे ताजमहल को उन्होंने बनते देखा हो, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट और डांस दोनों गिर चुके थे। पर अभी टीचर्स बच्चों के भले के लिए क्या नहीं कर रहे, इंटरेस्ट जगाने के लिए क्लास में भोजपुरी गाना चला देते हैं। क्लास में विकास कोचिंग सेंटर 9th 10th, भाई सही में किधर भाई ये? यही हो रहा असली विकास, विथ ड्रिंक, अर्थात स्त्री को चखना बोल रहे हैं। विकास कोचिंग, ओह ये। पढ़ाकू बच्चे फोन में नोट्स ले रहे हैं ताकि घर जाके कौन सी नोट्स होती है। कॉम्पिटिटिव मैथ, क्या जोड़ना है? ठुमको का टोटल, प्राइम नंबर, नेशनल नंबर से सीधा एडवांस, आइटम नंबर पढ़ा दिए एकदम सीरियसली। बोल आर साहेब, आज क्लास में क्या पढ़ाया? ठुमका सुनाओ। मम्मी का रिएक्शन तो देखो भाई। ओ ओ भाई, कच्चा बादाम पढ़ा रहा है ये, बहुत वायरल हो रहा है गाइस। कोई प्रोजेक्टर को ऑसिलेशन ऑफ बादाम, फिर किसी टीचर ने ऑटो वाले भैया की प्लेलिस्ट लगा दी। ये गाड़ों में तो यही चलेगा भाई। भाई कितना फायदा होता है ना डिजिटल क्लास की वजह से। मेंढक दिखाए थे और यहाँ मेंढक भी नहीं भाई, बोर्ड पे जो दिशा वही देखते थे हम तो। क्यों ऐड हो रहे हैं? रिप्रोडक्शन तो पढ़ा है, पर रिप्रोडक्शन के पहले क्या होता है सिर्फ इस कोचिंग क्लास में। और अब टीचर्स टीचर्स नहीं दोस्त जैसे बन चुके, सीधा सिखाते हैं चीटिंग। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, चोरी सीखना पाप नहीं, क्या सिखा रहा भाई? चोरी सिखाना पाप है। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास राम नाम जपना, सबका पेपर अपना, सबका पेपर अपना नहीं करना सर। मेरे दोस्त इरेजर के एक साइड पे ट्रू और एक साइड पे फॉल्स लिख के डाइस जैसे फेंक कर आंसर लिखते थे, ऐसे तो लिखते हैं ट्रू फॉल्स, राम नाम जपना, सिर्फ टॉपर का पेपर अपना। करते हो थीटा इक्वल टू जीरो, करते हो थीटा टू इक्वल टू जीरो, इतना भी करीबी दोस्त नहीं बनना था सर। थरमा क्यों रहे हो, करते हो सब करते हैं, सब करते हैं भाई, क्या बता रहा भाई। कभी मौसम अच्छा हो, ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे सर रगड़ते नहीं है? हाँ उसे गर्मी आ जाती है। हाँ ठंड 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 के मौसम में बहुत रगड़ता हूँ, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट सिखाया हो सर। तुझे क्या लगा? अबू धाबी अभी एकदम तो या ओ ओ साइन थीटा कॉस थीटा, ये याद रखना। ओ ओ ए, दोस्ती को एक इसमें बदल रहे हो सर। पापा के सामने इसका रिवीजन कर रहा था, उन्होंने असली ऊ आ निकाला। क्या मियां कल पर बुला रहा है भाई क्लास में? मियां मैम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही है।
टीचर्स को पता है स्टूडेंट्स के कान कैसे खड़े करने हैं। जैसे पहला पहला प्यार होता है ना, इंसान को याद रहता है क्या क्या जिंदगी भर की। अरे पहला प्यार, ठीक है बच्चों, पहले प्यार की तरह ही हर चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो आपको याद रहेगा। प्यार में चैप्टर की तरह आ गया, पहले प्यार की तरह ही हर चैप्टर का जो पहला कर दिया। हमारे टीचर्स चौक तक नहीं लाते थे और अभी के टीचर सांप ले आते हैं। ये वाला अगर ये पढ़ाई ना करेगा डस लेना, देख लिया ये रहा, ये हमारा चिंटू है। चिंटू है। अभी तक मैं डर रही थी, नाम सुन के लग रहा है इसको गुदगुदी करके भाग जाऊंगी मैं। चिंटू है। और ये सर लौकी ले आए। Are you listening? क्या दौरे बढ़ रही है भाई इसको तो क्लास में। क्या हो गया? ये जो भी प्रैक्टिकल पढ़ा रहे उसके नोट्स मुझे दे, मैं अनपढ़ रह गया। केमिस्ट्री लैब के केमिकल्स किसी ने रूह अफजा बोल के पिला दिया सर को, या बीवी ने टिफिन में लौकी केक दे दी कि भड़ास निकाल रहे हैं। जी सुनते हो, चाकू नहीं मिल रहे हैं। ले लौकी लेके जा सीधा। दांतों से काट के दे रहा भाई। मेरा पति तो किचन में भी मदद करता है। हाथ में माइक की जगह लौकी। ऐसी लौकीदार गाइडेंस तो मैं यही मिल सकती है। अब ये सब तो हो गई कॉलेज के पहले की बात, बट उसके बाद भी तो एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए है scalar.com। हमारी वही बोरिंग घिसी पिटी पढ़ाई चलती थी, अब माहौल बना के पूरा मुशायरा चलता है, घायल दिलों का मुशायरा। लड़के होते ही ऐसे हैं, लगता रहता है कि अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, कभी तो उसको रियलाइज हो ही जाएगा। हाँ भाई, इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फोन मिलाता रहा मगर मेरी उससे बात नहीं हुई। भाई तो बहुत सीरियस हो गया भाई। बुला के पढ़ाई पे ध्यान देने आया तो पढ़ाई में आंसुओं से कॉपी गीली हो गई। कॉपी ये यहाँ टॉयलेट रोक के बैठा है कब से। बहुत हैवी शायरी है, संभाल लो तो बताओ। हैवी बाद में, पहले हल्का होने दो। बेसिक सी शायरी को लौंडे ऐसे वाह वाह कर देते कि घर जाके सर भी खुद को मिर्जा गालिब सोचे। उनको पता नहीं ये बस पीरियड का टाइम काटने के तरीके हैं, ताकि सर हर बार आके क्लास का 15 मिनट शायरी में बर्बाद। शायरी में टाइम पास करते हैं भाई बस। मैं उससे करता था, वो किसी और से करता था। हाथ उठा के पूछ लेते थे डाउट जो इंट्रोवर्ट्स के लिए खतरों के खिलाड़ी के टास्क से कम नहीं, पर ऑनलाइन सब प्यासे शेर है। डाउट पूछने के लिए बने गए चैट सेक्शन में। मैम 200 बीघा खेत है, बस आपकी सेवा करनी है, भैंसे हैं, हाथी घोड़े सब हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। थोड़ी इज्जत कर लो, लालच भी दिया तो भैंस हाथी का। भैंसे हैं, हाथी चिड़िया घर चला रही है, वो तबेला खोलना उन्हें। बेटे माइनक्राफ्ट के जमीन जानवर यहाँ काउंट नहीं होते। बार बार स्पैम किए जा रहा है, मेरे पापा ने शादी करी थी, तुमको शर्म नहीं आता कि नहीं? तो बोल देना, पापा ने खुद लिखा है। यहाँ पर मिस्टर मिस्ट्री बोल रहे हैं कि मैम अगर आप टाइटैनिक वाली शिप में होते ना तो वो शिप कभी भी डूबती नहीं, क्योंकि मैम वो जो आइसबर्ग था वो तो आपको देखते ही पिघल जाता। ऐसा हर आशिक डायलॉग के पीछे कोई ऐसा लिखने वाला बिट्टू है। अभी शिजुका को भी दीदी बुलाने की जरूरत है, मैम पटानी। काश ये लाइन मैंने कही होती, आज मैं और मैम कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते। हाँ दिन में, जिसमें कैंटीन का वेज पफ और फ्रूटी ही पिला पाते हैं, और सनसेट होते ही आपको घर लेने मम्मा आ जाती। सो रोमांटिक, ऐसी स्माइल में टीचर कैसे फिदा ना हो। ओहो भाई, इज्जत करना सीख जाओ वरना असली दुनिया में आप पॉट होल हो जाएंगे चांटे खाका के। और हमारी भी थोड़ी इज्जत कर लो भाई, देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब व्हाट्सएप तो मिला है, कर दो भाई सब्सक्राइब, कर दो। क्या जा रहा आपका बंदीबाजी भी लाइव चैट पे करनी है। आयुष बाय चेतना, गुड नाइट डियर। चेतना आपस में बात चल रही है भाई, इसका तो लेक्चर अलग जा रहा है। छपवा देता गुड नाइट चेतना। दिमाग है ही नहीं पढ़ाई में, दिमाग तो चेतना को सुलाने में है। आधा क्लास तो यही सब खेलने में निकल जाता है बेचारे टीचर्स। ऐसे कांड करके बच्चे बच नहीं पाते थे कोविड से पहले, और अभी इन्हें डांट पड़े भी तो। असली टाइम पास तो तेरे माँ बाप ने किया था तेरे को पैदा करके। ओ भाई सीरियस, दुनिया को कोई डर। स्कूल में मेरा क्लासमेट ऐसे ही सो गया था भाई, म्यूट करके सो गया। जब टीचर ने उस पर डस्टर मारा था
लकड़े का किस्मत वालों, आज सच में तुम्हारा मतलब शकल खराब कर देता मैं। और कितना खराब? हलाई तो शकल बैगन जैसा है। ऐसे डांट को म्यूट करोगे तो भी आवाज आएगी। ये ऑफलाइन पढ़ा है तो उसे क्लास नहीं, रोडीज का ऑडिशन। थैंक गॉड मैं स्कूल में नहीं हूँ अभी। शर्म आता है, शर्म नाम की कोई चीज है कि बेच खाए हो बे? कहाँ से पढ़ के आए हो? दसवीं पास तुमने कैसे कर लिया? दसवीं तो छोड़, तुमने सिक्स क्लास कैसे पास कर लिया? लानत है मेरे जिंदगी पे, तुम कितने घटिया और गंवार हो। मैं देखना चाहता था कि तुम कितने गंवार हो। मैंने जितना सोचा था मैं तो सुसाइड कर लिया था भाई। मेरे साथ गलत, अब तो लग रहा है मैं पूरा इंसान ही गलत हूँ। दूसरा क्लास लगा रहा, दूसरा क्लास। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट। एक कोई गधे की औलाद आई है क्लास में, उसको गाली नहीं दे रहे, उसके माँ बाप को गाली दे रहे। क्या किया? तुझे टाइम पास लगता है? मैं तो जब कटरीना के फास्ते है वो तुझे पढ़ाई लगती है ना? घर में घुस के इतना मारेंगे ना, तेरी दो चार पीढ़ियां तो नकली पैदा होंगी। नकली ऑटो खरीद दो, मैं वही चलाऊंगा। ले भाई, ये तो बेस्ट द बेस्ट है भाई, ऑटो ही चला। शर्म नाम की कोई चीज है, बेच खाए हो बे? थैंक्स पापा। और ऑफलाइन स्कूल के पास तो बजट ही नहीं, जबरदस्ती क्लास फोटो खिंचा के हमें 100-100 का बेचते थे। पर ऑनलाइन वालों के पास बहुत पैसा है, टीचर्स आ रहा हीरोज, पर इन्होंने तो खुद को बॉलीवुड हीरो बना दिया। मेरे सामने दो चॉइसेस हैं, या तो मैं थम जाऊं, या मैं 3D बॉडी इफेक्ट्स कर दिया बे, बोर कर दूं। वाह, एक मिनट, ये कहीं देखा है? ब्रह्मास्त्र ऑफिशियल ट्रेलर को पूरे ब्रह्मास्त्र ट्रेलर पे खुद को चिपका दिया। रणबीर पे कोचिंग की शर्ट भी छाप दी, ट्रिपल एक्सेल साइज। वाह भाई, क्या कलाकारी, तो देखो भाई। ये मार्वेल से अचानक शकाला का बूम बूम के VFX पे कैसे आ गए? ये रस्सी पे अंडे, किडनी, ब्लैडर, स्टेथोस्कोप किसी जन्म में नहीं लग रहा है। ओ भाई, सस्ता एडिटर था भाई ये तो। कोई पंछी बनू उड़ती फिरू करवा दिया भाई। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। इतने सालों से जो सीरियस ट्रिक बनने की रेपुटेशन बनाई होगी टीचर्स ने, सारी कबूतर बनने में चली गई। और ये बने पंछी जो उड़ना भूल चुका है। गलत हो गया भाई तो। क्या लेकिन तू ब्रह्मास्त्र ट्रेलर का सब डाल दिया है। ये रणबीर आलिया को बोलता है क्या हो तुम, और ये स्टूडेंट शुक्ला सर को क्या हो तो? No one can stop this revolution! This revolution! बे हिला दिया, हिला दिया बे। मेरे हार्ट का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, जिस डिवाइस पे पढ़ना था उसका स्पीकर ही फोड़ दिए। इसको अलार्म बना दिया, अब टाइम होने के 2 घंटे पहले ही जाग जाता हूँ, वरना पूरी कॉलोनी जाग जाएगी। अब ये सब टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, ट्रेलर भी बना दिए। क्या हो तो? अब बाकी नल्ले टीचर्स क्या करे, वो सिखा रहे गालियां। गालियां? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ टॉप 10 इंग्लिश गंदी गंदी गालियां। IMDb टॉप 10 इंग्लिश वाली गालियां। कैसे डिसाइड हुई टॉप 10 गालियां? माथर को इंग्लिश में क्या कहा था? अक्सर आप बोलते रहते हैं मैं नहीं बोलता। अक्सर आप बोलते रहते हैं झूठ बोल रहा है। के ढक्कन, इसे आप इंग्लिश में कहिएगा बूट पल्ज, बूट पल्ज, बूट पल्ज। ये बूट पल्ज, मार मार के तेरा बूट पल्ज निकाल दूंगा। सुअर की औलाद, यह गाली तो काफी ही फेमस है। हाँ हाँ, काफी सुनने मिलता होगा आपको जब ऐसी वीडियोस बना। इंग्लिश में कहा जाता है सन ऑफ हग, जो साला वर्ड है गड्डम, गड्डम। आई वंडर व्हाई पीपल लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर, क्योंकि यार ग्रामर डू नॉट हेल्प अस एवरी टाइम एवरीवेयर। हाँ, पर गालियां तो मुझे एप्पल का सीईओ बना देगी ना। लेकिन बस दिस बिच, आप भी बिच का यूज करिए, अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा वर्ड, अच्छा शब्द है। अपनी बीवी, बहन, मौसी सबको बोलिए, भाई कौन है का यूज करिए, महान पुरुष कहानी बाबा कौन है, मोटा सांड कहीं का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द फटास। एग्जाम्पल, दैट मैन इज टोटल फटास। फटास को फटास, 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 he is a total फटास। इस चक्कर में किसी दिन आपको कोई फटास लगा देगा। फटास, फटास, बहुत ज्यादा पिटोगे भाई।
रिलीजिंग नाउ। पूरा बोर्ड वोर्ड पे लिख के गालियाँ सिखा रहे, कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला? अंग्रेजी में किसी को गाली कैसे दें? छिछोरा या फट्टू को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गैगल ऑफ गटलेस, गैगल ऑफ गटलेस। नहीं, मैं किसको गाली देने वाली हूँ? शशि थरूर, गैगल ऑफ गटलेस। ये गाली खत्म होने से पहले बंदा चार सुना दे। इंग्लिश तो में बात करूंगा। दे दप्पड़, दे घुसा, सीधा देता ही रहेगा वो। क्या ए यू, ये इंग्लिश में याद करे तक वो तो सुना दिया हमें। क्या अबे गा यू वेट, क्या बोलते हैं भैया? हाँ सर, इस गाली को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अच्छा फीस भरूंगा तो बताओगे? अरे यहाँ बंदा बेइज्जती कर रहा है, आप कुछ तो बताओ। क्या क्या? अरे वेट, आई एम चेकिंग नोट्स। गैगल ऑफ गटलेस, गैगल ऑफ गटलेस। क्या बोल रहा है? गोडम बूट पल्स। कौन सी भाषा है? क्या बकवास कर रहा है? अरे लड़ तो सही। फट्टू मैं ही हूँ। अरे भाई ये गाली देने की वजह में सब सुना दिया वो। सुन के आ गया अभी, क्या कर सकता था। अगर आपको भी गुड्डम वाली गाली बहुत पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी। धासु सर आप भी बोल दीजिए लाइक। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और एक रीसेंट स्टडी में पता चला है पीसी तोड़ने वाला मीम लगाते हैं ना, गेट प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft etc विद अ 126% CTC हाई। सो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर कर लो फॉर अ फ्री लाइव क्लास। टीचर्स बेस्ट है यार, इनकी इज्जत करो, इनकी बात मान लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। क्या गाली खा के मानोगे? जा रहे ना, करो लाइक करो और जाओ। गुड्डम सन ऑफ हाफ बूट पल्च कमीने इडियट डोंकी, सब्सक्राइब करो वरना गाली गाली बनेगी। इसका इस कैसे लगा यार वीडियो? यार मजा आ गया अबे, हंस हंस के मेरे गाल दर्द करने लगे भाई। तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, प्लीज चेक आउट कर लो और स्लिप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज। ओके गाइस, फिर मिलेंगे इसी ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।